रीवा जिले की जनेह थाना क्षेत्र में एक बार फिर दुष्कर्म की घटना सामने आई, जहां नाबालिग किशोरी को बेंगलुरु ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर घर वापस आई और परिजनों को जानकारी दी। बाद में परिजन उसे लेकर जनेह थाने पहुंचे। परिजनों को शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों की तलाश शुरू की। पीड़िता को उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन से बेंगलुरु ले गए, जहां नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक आरोपी की तलाश जारी है। ये 24 फरवरी की बात है। एक बच्ची नाबालिग है, 17 साल की थी। उसको तीन लोग, उसके परिजनों ने बताया था कि तीन लोग उसको लेके गए थे, जिनका नाम दीपक कोरी, दिनेश कोरी और पंचू कोरी थे। और फिर वहाँ से शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन गए, जहाँ से दीपक कोरी ने ट्रेन से बेंगलुरु ले गया और वहाँ पे गलत काम किया, जो कि बालिका ने बाद में कथन में अपने उस चीज़ की बताया था। और जिसके आधार पर फिर तीनों को आरोपी बना के इनकी पता तलाश की गई, और जिसके उपरांत दीपक कोरी और दिनेश कोरी को गिरफ्तार किया गया है। पंचू कोरी अभी फरार चल रहा है और मामले में विवेचना भी चल रही है। उद्देश्य था कि पहली चीज़ कि इनको बच्ची को बातों में फंसा के उसको वहाँ ले गए हैं और शादी करना और गलत काम करना उद्देश्य था। बैंगलोर उसको लेके गए थे, पुलिस ने वहीं से पकड़ा। करीब इसको 5-6 दिन तक बंधक बना के रखा था। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।